हाय फ्रेंड्स आज हम दिखाएंगे कि एक डोर का टूल पथ हम कैसे बनाएंगे टुडे आई एम गोइंग टू शो हाउ टू मेक थ्री डी टूल पथ फॉर वन डोर कटिंग इसमें हम एंड मिल और बॉलनोज दोनों को कैसे यूज करके हम थ्री डी टूल पथ बनाते हैं वो दिखाएंगे इन दिस प्रोसेस आई एम गोइंग टू शो हाउ टू यूज एनमिल एंड बॉलनोज बोथ ऑल्सो for making one 3d tool path first we have to select one outline sabse pehle hame ek outline select karna padega here we have to create one outline hame ek outline create karna padega idhar jaake hum create vector from boundary ये वाला select करेंगे फिर ये जगह पे जाके वन mm एम लिखेंगे फिर क्रिएट बाउंड्री कर देंगे तो इधर सबसे पहले जो बाहर वाला आउटलाइन आया उसी को हम सिलेक्ट करेंगे ठीक है बाकी जो आउटलाइन है वो नहीं लेंगे देख लीजिए ठीक है इसके बाद क्या करना है इसके बाद वेन वी सिलेक्ट दिस आउटलाइन, वी हैव टू सी द हाइट ऑफ दिस थ्री डी हियर वी विल चेक हियर वी कैन सी द डेप्थ इज ट्वेल्व एम एम इधर हम देखा कि हमने जो थ्री डी सिलेक्ट किया है सिलेक्टेड वेक्टर में उसका हाइट है बारह एम एम अभी टूल पाथ में जाएंगे एंड फर्स्ट वी गो टू टू डी प्रोफाइलिंग टूल देन सिलेक्ट इनसाइट

ये जो टूल टूलपात मैं दिखा रहा हूं ये खाली वुड के ऊपर हम प्रयोग कर सकते हैं स्टोन के लिए ये टूल पात नहीं है ठीक है ये जो बना रहा हूं ये वुड के लिए मैं ये टूल पाथ बना रहा हूं हियर वी विल सिलेक्ट सिक्स एन मिल देन गो टू एडिट ऑप्शन एंड स्टेप डाउन शुड बी पॉइंट फाइव ही यू कैन सी स्टेप ओवर फोर्टी स्पिंडल स्पीड फिफ्टीन थाउजेंड फिड रेट वन फिफ्टी प्लांग रेट हंड्रेड देन ओके Now select. Now go to setup option. Here we will select 35 mm material. Top offset select. Here select this radio button. Then okay to so, hum तो हम इधर सपोज पैतीस पैंतीस एम एम का मेटेरियल ले रहे हैं वो लिख देंगे टॉप ऑप्सेट सिलेक्ट रहेगा इधर ऊपर में ओरिजिन सिलेक्ट करके ओके okay कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे नाउ ऑप्शन पे क्लिक इससे यह टूल पथ बन जाएगा ठीक है इसके बाद दूसरा टूल पथ बनाएंगे जेड राफिंग के लिए वेन दिज प्रोफाइलिंग टूल टूलपाथ कॉम्प्लीटेड वी विल मेक जेड राफिंग टूलपाथ हियर वी सिलेक्ट थ्री डी टूल पथ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जेड लेवल राफिंग तो हम थ्री डी टूल पाथ का यह तीसरा वाला जो ऑप्शन है जेड लेवलिंग वाला इसको हम सिलेक्ट करेंगे देन सिलेक्टेड वेक्टर देन गो टू राफिंग टूल तो हमारा ये डिजाइन 12 एम का है आवर डिजाइन वी सॉ दैट द डेप्थ इज 12 एम सो वी सिलेक्ट 6 एम एम देन गो टू एडिट ऑप्शन एंड स्टेप डाउन वी टेक हियर 4 एम mm. एम फोर एम एम मीन टू टाइम जेड लेवल विल डू देन एनदर फोर एम एम इन आवर हैंड एंड उथ बॉलनोज वी कैन कम्पलीट आवर जॉब तो इधर चार एम एम लिखने का मतलब है चार चार आठ एम एम जेड रफिंग हो जाएगा बाकी चार एम एम बचा रहेगा उसको हम बॉल्नोज से फिनिश करेंगे फिर गो टू नाउ ऑप्शन अभी ये जो सिमुलेशन है ये बनेगा इससे हम जेड्रैपिंग का टूल पथ कॉम्प्लीट कर सकते हैं नाउ विल कंप्लीट द जेड्रैपिंग टूल पथ विथ दिस प्रोसेस नाउ क्लोज नाउ वी विल मेक द थ्री डी टूल पाथ वी विल गो इन दिस ऑप्शन अभी हम थ्री डी टूल पाथ बनाएंगे तो थ्री डी टूल पाथ के अंदर पहले जो ऑप्शन है मेशीन डिलिप इधर क्लिक करेंगे इसके बाद सिलेक्टेड वेक्टर में जाके रेजिस्टर वाला सिलेक्ट रखेंगे और टूल सिलेक्ट करेंगे पांच एम एम बॉल नोज फिर एडिट ऑप्शन में जाके स्टेप डाउन रखेंगे पॉइंट सिक्स स्टेपर रखेंगे टेन परसेंट स्पिंडल स्पीड अठारह हजार रेट रखेंगे वन फिफ्टी प्लांग रेट हंड्रेड देन ओके नाउ नाउ वी कैन सी द सिमुलेशन फर्स्ट सिलेक्ट दिस वन डिजेबल ऑल दोज देन go to simulate toolpath first okay this is the first toolpath then select this one press here and see the jet drafting toolpath तो so, पहले वो टूल पथ का simulation देखने के बाद हम जब जेड रफिंग करेंगे तो जेड रफिंग में इस तरह का दिखेगा वुड ठीक है इसके बाद थर्ड वाला जो सिमुलेशन उसको देखेंगे थ्री वाला नाउ वी कैन गेट द कंप्लीट आउटपुट रिजल्ट तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमें सिमुलेशन से दिख जाएगा कि हमने जो टूल सिलेक्ट किए हैं उससे सही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं कैन जस्टिफाई दिमुलेशन विद सिमुलेशन टेस्टिंग प्रोसेस डेट आवर टूलपाथ इज राइट और रॉन्ग ओके आप इस तरह का टूल पाथ बना के यूज कर सकते हैं इससे मशीन के ऊपर भी प्रेशर नहीं पड़ेगा और आउटपुट भी बेहतर आएगा यू कैन Use my process. This is better for your CNC machine also and your CNC tools also. Thank you, friends. Best of luck.